that people are getting angry and they will throw away Modi. Maybe they will throw away Modi, but BJP is not going anywhere. They are going to be here. You have to fight it out for next many decades. It's not going in a hurry. कुछ समय पहले तक कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को लेकर चर्चा में रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर कांग्रेस को नसीहत दी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगले कई दशकों तक बीजेपी भारतीय राजनीति में अपने कदम मजबूती से जमाए रखेगी। साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के साथ समस्या ये है कि उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं है। प्रशांत किशोर इससे पहले भी कांग्रेस को समस्याओं और कमजोरियों का घर बता चुके हैं। वायरल हो रहे प्रशांत किशोर के ताजा वीडियो में वह कहते हैं कि बीजेपी अगले कई सालों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में रहने वाली है। वे आगे कहते हैं कि भले ही मोदी रहे या न रहे, लेकिन जैसे कांग्रेस के लिए आजादी के बाद के 40 साल थे, कुछ ऐसा ही समय अब भाजपा का चल रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी को लगता है कि बस ये कुछ दिनों की बात है और लोग जल्दी भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं होने वाला। इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, वेदर दे विन वेदर दे लूज, लाइक इट वाज फॉर फर्स्ट 40 इयर्स फॉर कांग्रेस। बीजेपी इज गोइंग नोवेयर। वंस यू सिक्योर 30% प्लस वोट एट इंडिया लेवल, यू आर नॉट गोइंग अवे इन हरी। सो डू नॉट गेट एवर गेट इनटू दिस ट्रैप दैट पीपल आर गेटिंग एंग्री एंड दे विल थ्रो अवे मोदी। मेबी दे विल थ्रो अवे मोदी, but BJP is not going anywhere. They are going to be here. You have to fight it out for next many decades. It's not going in a hurry. So don't. That is where the problem lies with Rahul Gandhi. Probably he thinks it's just matter of time when people will throw him away. That's not happening. प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जब तक आप टटोलेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें हराने के लिए चुनौती नहीं दे सकते। देश के बड़े चुनावी रणनीतिकार के तौर पर पहचान बना चुके प्रशांत किशोर ने हाल में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक अगले साल होने वाले गोवा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के लिए भी काम कर रही है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने इसी साल तमिलनाडु में एम के स्टालिन की शानदार जीत में भी अहम भूमिका निभाई थी। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।